नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। वह दिन अब बदल रहे हैं जो बिहार की लड़कियां उच्च शिक्षा के मामले में देश के अन्य राज्यों से पीछे हुआ करती थी। बिहार सरकार ने पिछले डेढ़ दशक के दौरान लड़कियों की मूलभूत पढ़ाई लिखाई से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लड़कियों के उत्थान के लिए चलाए जाने वाले योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। नाम के अनुसार ही इस योजना के तहत कई लाभ केवल और केवल लड़कियों के पढ़ाई लिखाई और भविष्य को संवारने के लिए दिए जाते हैं। इसमें से बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना लड़कियों के सुनहरे भविष्य के लिए मील के पत्थर की तरह है, क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए छात्राओं को रुपए मिलते हैं। 2021 से पहले की छात्राओं को 25,000 रुपए ग्रेजुएशन पास करने पर मिलते थे, जबकि इस बार से इस राशि को दोगुना कर दिया गया है। यानी कि साल 2021 में ग्रेजुएशन पास छात्राओं को 50,000 रुपए मिलेंगे। तो आपको बता दें कि आज हम मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 सालों में ग्रेजुएशन पूरा करने वाली छात्राओं से बिहार सरकार ऑनलाइन आवेदन मांग रही है। यानी कि बिहार की जिन छात्राओं ने साल 2019 और 2020 में ग्रेजुएशन पास किया है, वे लड़कियां 25,000 पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अगर इन 2 सालों में ग्रेजुएशन पूरा करने वाली जिन छात्राओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो वे आवेदन कर सकती हैं। बताते चले कि स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए वैसे ही लड़कियां फिलहाल में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसने 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक या स्नातक के समकक्ष डिग्री प्राप्त किया है। इसके लिए सामान्य तकनीकी या व्यवसायिक कोर्स से भी ग्रेजुएशन या फिर इसके समकक्ष डिग्री लेने वाली छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते यह डिग्री बिहार सरकार के अंगीभूत यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर खुला विश्वविद्यालय से ही डिग्री पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी डिवीजन से पास छात्राएं अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए बिहार सरकार ने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम ekalyan.bih.nic.in है। इतना ही नहीं, इसके लिए मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम MKUI स्नातक है। इन दोनों में से ही किसी के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए छात्राओं को अपने कॉलेज में कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे काम इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही होंगे। पोर्टल को खोलने के बाद वहाँ आपको मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना दिखेगा, जिसे खोलने के बाद वहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के 2 लिंक दिखेंगे। उनमें से किसी एक को खोल ले, फिर यहाँ जो जो कहे जाएंगे उस अनुसार फॉर्म को भर ले। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने पर लॉगिन किया जाएगा। एक विद्यार्थी केवल एक ही बार आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, स्टूडेंट के सिग्नेचर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट या अंक पत्र इत्यादि लगेंगे। सारी प्रक्रिया को स्टेप वाइज करने के बाद फाइनल सबमिट करते ही ऑनलाइन अप्लाई पूरा हो जाएगा। इसके बाद निश्चित समय पर छात्रा के खाते में सीधे एक मुश्त 25,000 रुपए आ जाएंगे। बता दें कि हर कैटेगरी की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।